आज तक हमने बहुत सारे मास मैरिजेस की है जिसमें ज्यादा पुअर गर्ल्स थे जो ओल्ड एज हो चुके थे, उनके लिए ये बहन बैठी थी कि जो उनको मास मैरिज में हेल्प करती थी। हमारी मैसेज यही बहनों के लिए है, ये वो इदारा है जहां आपकी कोई फोटोग्राफी नहीं होती है, कोई सोशल मीडिया पे हम अपडेट नहीं करते या कभी हम नहीं मांगते, हमारी बहनों के लिए ऐसे ऐसे जरूरत है। ये बात होती थी कि जायदाद लेकर आ जाओ या क्या रखेंगे, कितना लाएगी आप वहाँ से, वही मैं कोई ऐसा बात था कि जो गरीब था तो नहीं दे पाए अपनी बेटी को डावरी, ऐसा कुछ नहीं है। बिला झिझक वो हमारे पास आए, ये सारा काम हम पर्दों के नीचे करते हैं, वो बिला झिझक हमारे पास आ जाए। नाज़रीन किराम, हमारे साथ सुमाइल फाउंडेशन एनजीओ के ओनर और सुमाइल फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। आपसे सीधा सवाल रहेगा कि जो आपकी ये एनजीओ है, इस एनजीओ का बुनियादी मकसद है क्या? हमारी जो एनजीओ है वो मल्टीटास्क काम करते हैं, मल्टीटास्क इन द सेंस अगर कोई विडो हो उसकी भी हेल्प होती है, ऑर्फन हो उसकी भी हेल्प होती है, ओल्ड एज हो उसकी भी हेल्प होती है, क्रॉनिक पेशेंट्स हो उनकी भी हेल्प होती है, ब्लड हो वो भी होता है, दवाई फूड किट्स या विंटर किट्स या सहरी इफ्तारी जो भी एक इंसान या ह्यूमैनिटी के लिए होता है वो सब कुछ स्माइल फाउंडेशन एनजीओ करती है। बिल्कुल, मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज तक स्माइल फाउंडेशन जो एनजीओ है कितनी मास मैरिज आज तक किया है? आज तक हमने बहुत सारे मास मैरिजेस की है जिसमें ज्यादा पुअर गर्ल्स थे जो ओल्ड एज हो चुके थे, उनके लिए ये बहन बैठी थी कि जो उनको मास मैरिज में हेल्प करती थी। तो हाल ही में आपको लेफ्टर गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जाने से एक अवार्ड मिला था, हमारे नाजरन को उस अवार्ड के बारे में आपको बताना है। आप उस अवार्ड के बारे में क्या बताना है कि सबको पता ये अवार्ड एक नारी शक्ति अवार्ड था जो एक लड़की काम कर रही थी, हर किसी जगह पर आगे आगे आई थी, चाहे कोई भी काम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, मैरिज असिस्टेंट हो, मेडिकल के रिलेटेड कोई काम हो या ब्लड के रिलेटेड कोई काम हो, हैंडीकैप्ड पुअर पीपल, हर किसी जगह पे हम आगे आगे आए, उस हिसाब से उनको लगा कि हमें अवार्ड मिला है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी एनजीओ है यानी कि स्माइल फाउंडेशन एनजीओ आने वाले दिनों में किन चीजों पे ज्यादा काम करेगी? सर, पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम मास मैरिज नहीं करते, हम मैरिज असिस्टेंस करते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मास मैरिज एंड मैरिज असिस्टेंस। हम एक लड़की को अपने ऑफिस में किट देते हैं, उसके बाद ना हमारी उसके साथ कोई जान पहचान होती है ना कुछ। मास मैरिज में निकाह वहाँ होते हैं, तो हम वैसा नहीं करते। और दूसरा, हम रिश्ते नहीं करते, हमें बहुत से फोन आते हैं, हमारे पास लड़के हैं, आपके पास लड़कियां हैं, हम रिश्ते नहीं करते हैं, हम असिस्टेंस करते हैं, एक लड़की को हेल्प करते हैं जो उसको शादी में काम आता है। दूसरा हमारा अब इंशाल्लाह लोगों के ताउन से हमें अब विंटर किट करना है जिसमें हम कांगड़ी देंगे, कोयले देंगे, स्वेटर्स देंगे, फरन्स देंगे, जो जो गर्मी के काम आएगा इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट जो होगा वो उसी पे होगा सर। तो अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, खासतौर पर श्रीनगर की बात करेंगे, वहाँ पे हमारी ऐसी बहनें हैं जिनकी उम्र 45 साल से भी ज्यादा हो चुकी है लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो चुकी है। अगर कोई बहन आपसे हेल्प मांगना चाहेगी तो कैसी वो आपके बता सकती है? देखिए सर, पहले तो हमारा एड्रेस जो हमारा ऑफिस है नकाशपुरा बरबरचा चौक में है, ये कहीं हिडन नहीं है, चौक में है, वहाँ हमारा एड्रेस है। दूसरा, हमारे फोन नंबर्स रहते हैं। जो भी ऐसी बहन है जो मेहंदी के हाथ लेके है, वो मेरे मैं उसका भाई हूँ, मेरे पास आए, उसकी जितनी भी हेल्प होनी चाहिए वो हम इंशाल्लाह करेंगे। क्या कहते हैं आपका तजुर्बा कि हम अपने समाज को कैसे बदला सकते हैं यानी कि डाउरी में हम कैसे इजाफा कर सकते हैं? यही तो मेन वजह है कि जो हमारी बहन ओल्ड एज घर में पड़े हुए है, वजह है कि यही जो डाउरी है, डाउरी जहाँ पर उनका मैरिज की बात होती रहती थी कि पहली बात होती थी कि जायदाद लेकर आ जाओ या क्या रखेंगे, कितना लाएगी आप वहाँ से, वही मेन कोई ऐसा बात था कि जो गरीब था तो नहीं दे पाए अपनी बेटी को डावरी, तो वही रीजन है कि घर पे अभी हम तभी हमने ये मैरिज असिस्टेंट किया है ताकि ये डावरी जो है ये लोगों के दिमाग से निकल जाए। आखिरी मैसेज जो आपकी जम्मू कश्मीर की बहनें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे मैं हमेशा आगे निकलती हूँ अपनी बहनों के लिए, उनकी भी यही गुजारिश मैं करती हूँ कि वो भी आगे आए ताकि हमारी बहनें जो है वो ऐसे डावरी के लिए छुप ना जाए या कोई ऐसा शादी के बाद जो उनके साथ होता है कि वो
वो लेकर ना डोमेस्टिक वाले जो होते हैं कि वो छुप ना जाए, कि हमेशा हमारी बहन जो है वो आगे बढ़े। हमारी मैसेज यही बहनों के लिए है, ये वो इदारा है जहाँ आपकी कोई फोटोग्राफी नहीं होती है, कोई सोशल मीडिया पे हम अपडेट नहीं करते या कभी हम नहीं मांगते हमारी बहनों के लिए ऐसे ऐसे जरूरत है, जितना हमारे इदारे से होता है हम चुपचाप वो देते हैं। हमारी जो भी बहनें ऐसी है जिनको लगता है कि हम वहां जाएंगे उसके बाद हमारा फोटोग्राफ अपडेट होगा सोशल नेटवर्क पे, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बिना झिझक वो हमारे पास आए, ये सारा काम हम पर्दों के नीचे करते हैं, वो बिना झिझक हमारे पास आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे सुमाइल फाउंडेशन एनजीओ के चेयरपर्सन मसरत मैम, उसके साथ साथ सुमाइल फाउंडेशन एनजीओ के ओनर हमारे साथ बात कर रहे थे और एक अच्छी मैसेज दी अपने जम्मू कश्मीर की बहनों के लिए, खुशम तौर पर उन लड़कियों के लिए, उन बहनों के लिए जिनकी उम्र 45 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और उनकी शादी अभी तक नहीं हो चुकी है। अगर किसी बहन को मदद की जरूरत है तो वो इनके साथ रहा कर सकते हैं और हम इनका फोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे।